भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निर्मल छेत्री ने सिक्किम में खेल के विकास के उद्देश्य से सिक्किम प्लेयर्स एसोसिएशन के गठन की घोषणा की है। उन्होंने सिक्किम के उभरते हुए खिलाड़ियों से इस एसोसिएशन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सिक्किम की मौजूदा खेल प्रणाली के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम राज्य में और बेहतरीन खेल चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमने इस नए एसोसिएशन का गठन किया है। 8 जुलाई को हमारी एक बैठक होगी जिसमें भविष्य की नीतियां तैयार की जाएंगी। भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निर्मल छेत्री ने सिक्किम में फुटबॉल खेल के विकास के निमित्त सिक्किम फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन गठन करने की घोषणा की है। 30 नदी का जलस्तर बढ़ने से सिक्किम के आदर्श गांव के तकरीबन 35 परिवारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने NHPC प्रबंधन से उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की है। इस बीच तीस्ता वी NHPC पावर स्टेशन ने आदर्श गांव में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को तीस्ता नदी में मानसून के दौरान आने वाले उफान के बारे में बताना था। साथ ही लोगों को अपना बचाव कैसे करना है यह भी शिविर में समझाया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरती हुई है। अगरतला के स्कूलों का दौरा करने के बाद शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने 11वीं कक्षा के एक छात्र से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा तो वह सही जवाब नहीं दे पाया। शिक्षा की यह हालत देखकर नाराज शिक्षा मंत्री ने इसके लिए राज्य की 25 साल पुरानी वामपंथी सरकार को दोषी ठहराया। लास्ट 25 ईयर्स within one day, within 3 months, can I solve the problem? It is not possible. In the 11th class, 11 student, they cannot the, they don't the name of the president of India. सुबह से शाम तक शिक्षा मंत्री ने अगरतला के विभिन्न स्कूलों का औचक दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगरतला की शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि वे स्कूलों की परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। काली शहर में आई भयंकर बाढ़ के बाद फैली बीमारियों के इलाज के लिए सोमवार को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। बीजेपी तपशीली जाति मोर्चा प्रदेश समिति और BSF की 55वीं बटालियन की पहल से आयोजित कैंप का उद्घाटन समाज कल्याण, सामाजिक शिक्षा और पशु संसाधन विकास मंत्री सांतना चकमा ने किया। वैद्यनाथ मजूमदार स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बाढ़ पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गयी। त्रिपुरा में शासन परिवर्तन अब अगरतला की सड़कों पर महसूस किया जा सकता है। अनागा मोहिनी देवी त्रिपुरा की पहली महिला कवि थी और वह महाराज बीरचंद्र माणिक्य बहादुर की राजकुमारी थी। त्रिपुरा की पिछली वामपंथी सरकार ने कवि अनागा मोहिनी देवी के नाम पर ही शहर की एक सड़क का नाम रखा था। पैराडाइज चाउ मुहानी से IGM चाउ मुहानी मार्ग तक का नाम कवि अनागा मोहिनी देवी मार्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही इस सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग रख दिया गया। ये जो रास्ता का नाम अचानक इन लोगों ने चेंज किया, हम इसको बहुत कड़ी भाषा में निंदा कर रहे हैं। इन लोगों का दिमाग में कवि अनागा मोहिनी देवी का जो छवि है उस लोगों का दिमाग में नहीं है। नई सरकार ने दो अन्य वाम प्रतीक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के नाम पर रखे गए मार्गों का नाम भी बदल दिया है। मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव और अगरतला में उनके कैबिनेट मंत्रियों के आधिकारिक निवास की ओर जाने वाले मार्क्स एंजल्स मार्ग का नाम बदलकर बीजेपी के सिद्धांतकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग रखा गया है।
मिजोरम अंडरग्राउंड रिटर्न्स एसोसिएशन यानी मुरा ने मिजोरम प्रदेश कांग्रेस पार्टी के साथ 10 सूत्री समझौते की पूर्ति की मांग के लिए 6 जून को भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन केंद्रीय युवा मिजो एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल वापस ले लिया गया है। मुरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने 3 हफ्तों के बाद भूख हड़ताल को वापस लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन कांग्रेस पार्टी और एसोसिएशन के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने पर सहमत हो गया है। मुरा अध्यक्ष सीएल थुमा ने कहा कि वाईएमए दोनों संगठनों के बीच समझौता करेगा और जल्द ही वार्ता आयोजित करेगा। उन्होंने आशा जताई कि वाईएमए के हस्तक्षेप से दीर्घकालिक समझौता होगा और कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा करेगी। आगामी 3 अगस्त को जीओआई और वार्ता में शामिल पार्टियों के बीच फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की खबर से नागालैंड जेडीयू के महासचिव कितोहो एसरोतोखा काफी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को याद किया है जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच में गर्व महसूस करते हुए घोषणा की थी कि सफल सरकारें जिस नागा मुद्दे का हल नहीं निकाल पाई थी, जल्द ही उसका हल निकलेगा। हालांकि अब तक उनकी यह बात वास्तविकता में नहीं बदली है। पार्टी को उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र में नगा शांति वार्ता मुद्दे को सदन में रखा जाएगा। उन्होंने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से इसमें हिस्सा लेने का आह्वान किया है। इधर नागालैंड जेडीयू के अध्यक्ष शेनचुमो लोथा ने बताया कि जेडीयू जंतर मंतर में अपने केंद्रीय पार्टी कार्यालय के बाहर आगामी 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेगी। 8 एथनिक ग्रुप्स आर पर्सुइंग दिस वेरी इशू। The GDU was instrumental in organizing a meeting between the All Assam Students Union and the GDU National President.